Assalamualaikum and welcome back to another tutorial by Professional Films. Viewers, ये एक unboxing video है और इस video में मैं unbox करने वाला हूँ Hbq I7 headphone जो अभी मैंने मंगवाए हैं earphones.com से. earphones.com एक बहुत ही अच्छी website है जहाँ पर आपको hands-free headphones वगैरह बहुत सारी earphones के related products मिल जाती हैं, वो भी बहुत ही reasonable price पे. ये हेडफोन 999 के आपको मिल जाएंगे earphone.com से. ये मैंने भी अभी रिसीव किए हैं और यहाँ पर फ्री होम डिलीवरी है और मुझे ये डिलीवरी बहुत पसंद आई इनकी. सिर्फ एक ही दिन में मेरी प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद मुझे मिल गई. तो चलिए हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं. बस चलिए यहाँ पर ये अनबॉक्सिंग कर लेते हैं प्रोडक्ट की. हाँ गाइज, ये है हमारे एयरफोन्स. तो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली होगी, यानी कि पैकेजिंग से जो हमने निकाले थे हेडफोन्स. अब इसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. ये है हमारे एयरफोन्स जो हमने मंगवाए हैं earphones.com से. ये बिल्कुल सिमिलर हैं आईफोन के एयरफोन्स से, एयरपॉड्स से. ये यानी बहुत ही चीप है इसकी प्राइस में. अगर आप वायरलेस एयरपॉड्स लेना चाहें आईफोन के तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये Hbq I7 ये सिर्फ लेफ़्ट ईयर के लिए मिलता है, यानी एक कान के लिए मिलता है उल्टे वाले. अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं. ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है. ये वॉइस आप इससे कॉल पे बात कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं. और इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है. इसमें आपको 8 घंटे की बैटरी टाइमिंग मिल जाती है 1-2 घंटे की चार्ज पे. तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. बॉक्स के अंदर आपको ये Hbq I7 डिवाइस मिलती है जो कि कम्प्लीटली वायरलेस है. यहाँ नीचे की साइड पे आपको ये चार्जिंग का स्लॉट मिल जाता है और यहाँ पर ऑपरेटिंग के लिए एक बटन मिल जाता है. बॉक्स कॉन्टेंट में आपको कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ एक चार्जिंग केबल मिल जाती है. और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये आईफोन से भी कनेक्ट हो जाता है. इसको चार्ज करने के लिए आपको जस्ट सिंपली इसका चार्जर इसके अंदर डालना है और अपने पावर बैंक में या कोई भी यूएसबी केबल में लगाना है और जस्ट सिंपल ऐसे चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया इसकी चार्जिंग कैसे होती है. तो चलिए इसे पेयर कर लेते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन से. तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट इस बटन को होल्ड करके रखना है और ये ऐसे रेड एंड ब्लू लाइट इसमें ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगी. फिर आपको जस्ट अपना मोबाइल खोलना है. मैंने जानबूझ के यहाँ आईफोन यूज़ किया है क्योंकि इसकी अच्छी बात यह है कि ये आईफोन से भी पेयर हो जाता है. यहाँ पर मैं अपना ब्लूटूथ खोल लेता हूँ. ये देखिए, यहाँ पर I7 नाम की डिवाइस आ गई और ये कनेक्ट हो चुकी है. अब मैं आपको इस पर कोई भी ऑडियो प्ले करके दिखा देता हूँ. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे एक गेम लगा लिया है. आप देख सकते हैं इसने फौरन इस गेम की आवाज़ हमारे हेडफोन में आ गई है. इसकी रेंज बहुत ही अच्छी है. ये आपको कोई 20 फिट तक आप इसको दूर तक चल सकते हैं. ये देखें, गेम की आवाज़ इसमें आ रही है. तो फ्रेंड्स, ये डिवाइस मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है. मैं आपको कोई यूट्यूब वीडियो भी इस पर प्ले करके दिखा देता हूँ. अगर तो फ्रेंड्स, ये थी डिवाइस. और अगर आप भी ये डिवाइस ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ये $10 की है, यानी कि पाकिस्तानी 1000 रुपये की है. ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है. ये बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड्स की तरह लगती है. इसमें साइड पे एक बेंट है वॉइस के लिए, इसलिए बेस बहुत ही अच्छी सुनाई देती है इसमें. और यहाँ आगे की साइड पे है और ये ऑपरेटिंग का बटन है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. फ़िलहाल के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और